Assalamu alaikum, welcome back. Today we're gonna discuss another philosopher. Empiricism में बात हम कर रहे हैं, empiricism पढ़ रहे हैं, epistemology पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हमने पहले लॉक कर लिया है, जॉन लॉक का हो गया, जॉर्ज बर्कले का हो गया। अगर मैं क्विक ओवरव्यू दूँ तो जॉन लॉक के बारे में आपको पता है कि उन्होंने दो क्वालिटीज़ बताई थी, या आप आइडियाज़ की बात करें तो उन्होंने सिंपल आइडिया दिया एंड देन कॉम्प्लेक्स आइडिया दिया। सिंपल आइडिया वो है जो हम डायरेक्टली परसीव करें सेंसेस से, और कॉम्प्लेक्स आइडिया वो है जो हमारे माइंड में बन रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज़ के बारे में बात की। उन्होंने कहा एक फिजिकल क्वालिटी होती है, प्राइमरी क्वालिटी होती है, और एक सेकेंडरी क्वालिटी होती है। प्राइमरी क्वालिटी वो है जो हमें डायरेक्टली सेंसेशन से मिल रही है, एंड सेकेंडरी क्वालिटी वो है जो हम माइंड में आइडिया बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया लॉक का। जॉर्ज बर्कले ने उन्हीं के क्वालिटीज़ को, प्राइमरी और सेकेंडरी को लेके आगे बात की है। उन्होंने कहा कि अगर प्राइमरी क्वालिटी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑब्जेक्ट की, एक्सटर्नल वर्ल्ड की, तो उनको सेम रहना चाहिए, बट दे आर नॉट सेम। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक्सटेंशन की बात की, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है एक्सटेंशन, तो उन्होंने बात की कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के करीब में होते हैं तो हमें वो चीज़ टॉलर दिखती है, और अगर हम उससे दूर चले जाते हैं तो हमें वही चीज़ स्मॉलर दिखती है। दैट मीन्स कि अगर ये चीज़ वेरी कर रही है तो ये फिजिकल क्वालिटी तो नहीं हुई है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं है ऑब्जेक्ट का, ये प्राइमरी क्वालिटी तो नहीं है, ठीक है, ये वेरी कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये माइंड इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि माइंड डिपेंडेंट है। तो जॉर्ज बर्कले कहते हैं कि प्राइमरी क्वालिटी या सेकेंडरी क्वालिटी, ये दोनों माइंड डिपेंडेंट हैं। और इसी तरह फिर वो बात को लेके चलते हैं, तो वो कहते हैं कि उन्हें सिर्फ आइडियाज़ मिल रहे हैं, ठीक है, आइडियाज़ की बेसिस पे हैं, परसीव टू बी परसीव्ड ऐसे स्पेसिफी कि जो परसीव हम कर रहे हैं, हमें जो परसीव किया जा रहा है वही रियल है, वही सब कुछ है, और वो आइडियाज़ को परसीव कर रहे हैं। इसी तरह वो सारी चीज़ों को बताते हैं, अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड को एज एन आइडिया बताते हैं कि ये आइडिया है इमटीरियल वर्ल्ड है, ठीक है, ये चीज़ें मटीरियलिस्टिक नहीं है, ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उनको आइडियलिज्म में हमने या आइडियलिस्ट का नाम दिया होता है, ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ योर माइंड। यहाँ तक जॉर्ज बर्कले की बात थी। अब हम आगे बात करेंगे डेविड ह्यूम की। डेविड ह्यूम इज अनदर एम्पिरिसिस्ट, इनकी भी एम्पिरिसिज्म पे बात है, ये भी उन्हीं के टाइम पीरियड में है, जॉर्ज बर्कले और लॉक के टाइम के। डेविड ह्यूम के बारे में पढ़ेंगे। डेविड ह्यूम जो हैं 18th सेंचुरी फिलोसोफर हैं, ठीक है, इट्स ही इज एन 18th सेंचुरी फिलोसोफर, स्कॉटिश हैं, इकोनॉमिस्ट भी थे, हिस्टोरियन भी थे, मॉडर्न एरा के, एज ऑफ एनलाइटनमेंट होता है मॉडर्न एरा। अच्छा, अब इनके टाइम में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, बर्कले थे और लॉक थे, ब्रिटिश एम्पिरिसिज्म में की बात इन्होंने मूवमेंट चलाई। ही वॉज एन ओपोनेंट ऑफ रैशनलिज्म, जिसमें डेकार्ट, लाइबनीज और स्पिनोजा आ जाता है, बिकॉज ही वॉज एन एम्पिरिसिस्ट। एम्पिरिसिस्ट वो हैं जो सेंस डेटा पे बिलीव करते हैं, एक्सप्रेशंस पे, एक्सपीरियंस पे बिलीव करते हैं, इंप्रेशंस पे बिलीव करते हैं, सेंसेशंस पे बिलीव करते हैं, परसेप्शन, ये बहुत सारी टर्म्स हैं, इनको ज़रूर लिखिएगा क्योंकि ये टर्म्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये इन पे बिलीव करते थे। एथियस भी थे, स्केप्टिक भी थे, स्केप्टिसिज्म इनकी आगे हम पूरा पढ़ेंगे, स्केप्टिसिज्म का इनका क्या फिनोमेना था, ठीक है। और इमैनुअल कांट पे इनका बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। ये कहते हैं कि जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होता है उसकी फाउंडेशन एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एम्पिरिसिस्ट डेफिनेटली एक्सपीरियंस की ही बात करेंगे। अच्छा, आगे इन्होंने ना बीइंग एन एम्पिरिसिस्ट, जिस तरह हमने लॉक को पढ़ा कि उन्होंने सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में चीज़ों को डिवाइड किया, ठीक है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ में लॉक की ना, तो अब ये जो डेविड ह्यूम है, ये इनका एम्पिरिसिज्म किस में डिवाइड होता है? डेविड ह्यूम जो है ये एम्पिरिसिस को डिवाइड करते हैं दो चीज़ों में, जिसमें आ जाता है एक इम्प्रेशंस और दूसरा आ जाता है आइडियाज़। आइडियाज़ में वही जैसा उस सिंपल आइडियाज और कॉम्प्लेक्स आइडियाज,
लेकिन अब ये उन्होंने सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो टर्म्स इस्तेमाल कर ली लॉक ने, ठीक है। इन्होंने उसको इम्प्रेशन और आइडिया दे दिए। इम्प्रेशन अकॉर्डिंग टू ह्यूम सिंपल है, डायरेक्ट इम्प्रेशन आपको जो सेंसेशन से मिल रहा है, डायरेक्ट जो आपका लिंक है। आइडियाज़ में ये फर्दर दो में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आइडियाज़ में फर्दर आ जाता है, एक है जी फैकल्टी, फैकल्टी ऑफ मेमोरी, मेमोरी, और दूसरा आ जाता है फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन, सॉरी इमेजिनेशन, स्पेलिंग्स देख लीजिएगा, इमेजिनेशन। खैर, अच्छा, अब ये जो फैकल्टी ऑफ मेमोरी है, इसमें वो बात कर रहे हैं कि जो चीज़ें हम मेमोराइज कर रहे हैं, हमने कल कुछ देखा, यस्टरडे में, पास्ट में हमने कुछ देखा, अभी नियर पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। इसमें हम कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं करें, हम नियर पास्ट की बात करें कि नियर पास्ट में जो हमने चीज़ें देखी हैं, हम उसको रिकॉल जो कर रहे हैं, दैट इज़ योर फैकल्टी ऑफ मेमोरी। और ये आपका कल परसों की जो चीज़ें देखी हैं, समथिंग आई सॉ यस्टरडे, तो उसको हम रिकॉल करें। अब इमेजिनेशन में क्या बात आती है, इमेजिनेशन में चीज़ें आ जाती हैं कि ये वो इम्प्रेशंस हैं, ये जो फ्रेश आइडियाज डेवलप होंगे। इमेजिनेशन में क्या है, फ्रेश आइडियाज डेवलप हो रहे फ्रॉम इम्प्रेशंस। इम्प्रेशंस क्या थे, जो आपको सेंसरी डेटा से मिल रहा था, ठीक है। जो आपको यहाँ से मिला है, आपने उसके फ्रेश आइडियाज बना लिए, ठीक है। ये इम्प्रेशन में वो बता, इमेजिनेशन में, कि आप चीज़ों को इमेजिन करें, थॉट्स आ रही हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं, जिस तरह हम रात में सोते हैं तो हमें याद आ रहा होता है कि हमने दिन में हमने किसी से बात की थी तो उसको हमें ये जवाब देना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। तो फ्रेश आइडियाज़ बने ना, ये हमने किया नहीं है, लेकिन हमें आइडियाज़ आ रहे हैं, फ्रेश आइडियाज़ आ रहे हैं, तो ये बात उन्होंने की भी है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी कि ये जो है, ये फ्रेश आइडियाज़ हैं। इन्होंने, ह्यूम ने जो एम्पिरिसिज्म है इसका, या जो, क्योंकि इनका जो नॉलेज रूट करता है वो एक्सपीरियंस में रूट करता है, इनकी, सॉरी, जो एम्पिरिसिज्म, इसको हम नाम देंगे परसेप्शन का। ह्यूम की जो परसेप्शन है, जिसको वो डेटा का नाम या परसेप्शन का नाम जिसको दे रहे हैं, ह्यूम ने इस परसेप्शन को दो में डिवाइड किया है, वन इज द इम्प्रेशंस एंड द अदर वन इज आइडियाज। इम्प्रेशन को वो कह रहे हैं कि सिंपल इम्प्रेशंस हैं, डायरेक्ट इम्प्रेशंस हैं, जिस तरह लॉक ने कहा था कि सिंपल आइडियाज हमें मिल रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने आइडियाज में बात कर दी, आइडियाज को फिर उन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया। लॉक ने तो आइडियाज को सिंपल रखा ना, सिंपल आइडिया एंड कॉम्प्लेक्स आइडिया, लेकिन ह्यूम ने आइडियाज को डिवाइड कर दिया मेमोरी में, फैकल्टी ऑफ मेमोरी और फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन में, ठीक है। इमेजिनेशन में कह रहे हैं कि हमें उससे जो हमारे इम्प्रेशन थे, इम्प्रेशन से हमें फ्रेश आइडियाज मिल रहे हैं। और फिर जो बात करते हैं सिंपल सिंपल एंड, इन्होंने बात की लॉक ने सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज, ठीक है। ह्यूम उसको कह देते हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परसेप्शन, सिंपल परसेप्शन में वो ले रहे हैं जो हमें डायरेक्ट आया है, इमेज, ठीक है, कलर वगैरह जो भी चीजें हैं। और कॉम्प्लेक्स में जो हम ले रहे हैं, वो हम वो परसेप्शन ले रहे हैं जो हम लेटर ऑन जो है, हम उसको रिकलेक्ट करेंगे, ठीक है, जिसको हम लेटर रिकलेक्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ आ जाएगी, इसमें तो बहुत सिंपल सिंपल सी जो बेसिक सी चीज़ है, जैसा मैंने आपको सिंपल लो कॉम्प्लेक्स आइडिया में बताया था कि क्ले है तो दैट्स अ सिंपल थिंग, और अगर आपने उसका कोई पॉट बना दिया तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसी तरह परसेप्शन है, एक सिंपल परसीव आपने क्या, कुछ भी, किसी भी चीज़ को आपने, आप कह लें कि आपने कोई घर देखा है, घर इज अ सिंपल परसेप्शन, आपने देख लिया। अब आप उसके आइडिया को कि वो घर किस तरह बना हुआ था, उसमें कलर कौन से थे, उसकी वो सब चीज़ें कौन सी थी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं। उसकी पहले तो आपने एक बेसिक चीज़ देख ली, कोई फिगर देख ली, कुछ भी देख लिया, कोई एक इमेज देख लिया,
बट अब जब आप उसको डीप डाउन देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है? जब हम उसको कॉम्प्लेक्स, उसकी बेसिक चीज़ों से हट के हम आगे बात कर रहे हैं, तो हम उसको कॉम्प्लेक्स की तरफ लेंगे। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स परसेप्शन, ये लेटर ऑन आप उसको रिकलेक्ट करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, एपिस्टेमोलॉजी में ही, दैट वॉज द पार्ट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी ऑफ कोर्स, आपने उसको इसी तरह स्टार्ट लेना है कि ही टॉक्स अबाउट परसेप्शन, फिर परसेप्शन को आपने डिफ्रेंशिएट करके बताना है कि इस तरह परसेप्शन एक इस तरह है और एक इस तरह है, ठीक है? जो मैंने बताया इंप्रेशन और आइडियाज, उन्होंने जो उसको जो है कैटेगराइज किया, फिर फर्दर उन्होंने आइडियाज को दो चीज़ों में कैटेगराइज किया। इसी तरह ही कैटेगराइज ह्यूमन नॉलेज, हाउ डू वी गेन दैट नॉलेज, उसको उन्होंने किया है रिलेशन ऑफ आइडियाज, मैटर ऑफ फैक्ट्स, एंड एक थर्ड चीज आती है सेंसिकल क्लेम्स। सेंसिकल क्लेम्स आपके सेंसेस पे या बिलीव्स या थॉट्स पे आपके आ जाते हैं, इंट्यूशन पे आ जाते हैं, तो इसमें आपके पास गॉड और सोल आ जाएगा। दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग, तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। इसको हम फर्दर भी, क्योंकि इनकी जो थेरी है, फिलोसफी है, ये सेल्फ पे भी डिस्कस करेंगे, तो हम वो आगे लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे। फॉर नाउ आपने देखना कि रिलेशन ऑफ आइडियाज़ क्या है। रिलेशन ऑफ आइडियाज़ वो है, वो जो एनालिटिकल चीज़ें हैं, ठीक है? ये रिलेशन ऑफ आइडियाज़ के हैं, ये एनालिटिकल प्रोपोजिशंस हैं, एनालिसिस करें किसी चीज़ का। इसमें प्रेडिकेट जो है दैट एग्जिस्ट इन सब्जेक्ट। अब मैं इसकी एग्जाम्पल आपको देती हूँ। बैचलर इज अनमैरिड, बैचलर इज अनमैरिड। अब प्रेडिकेट सब्जेक्ट में है, मतलब आपको बैचलर को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बैचलर, बैचलर इज द वन हु डज नॉट मैरी, हु इज नॉट मैरिड, ठीक है? ये है, तो आपको मतलब एक चीज अंडरस्टूड सी बात है, आप कोई रीजन करने की, आप उसको प्रॉपर कोई ना एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है, इट्स अ लॉजिकल थिंग। तो वो ये बात करें कि रिलेशन ऑफ आइडियाज क्या है, इट्स अ लॉजिकल थिंग। मैटर ऑफ फैक्ट में क्या आता है, मैटर ऑफ, अच्छा दूसरी बात, रिलेशन ऑफ आइडियाज को वैलिडेट करने की जरूरत नहीं। आप किसी बैचलर को जाके पूछेंगे तो नहीं ना कि आप अनमैरिड हैं, बैचलर है तो एक अंडरस्टूड सी बात है, ही और शी इज अनमैरिड, तो आपको उसको वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू वैलिडेट इट। व्हेन वी टॉक अबाउट मैटर ऑफ फैक्ट, वी नीड टू वैलिडेट इट। वैलिडेट हम कैसे करेंगे किसी चीज को, इस मैटर ऑफ फैक्ट को हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में जाके देखेंगे, आया ये बात ऐसे ही है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सन राइजेज इन द ईस्ट, हम गए, हमने सुबह में देखा कि सन वाकई में ईस्ट से राइज करता कि नहीं करता, हमें उससे इंप्रेशन मिले, या जिसको हम सेंसेशंस कहते हैं, ठीक है? ये इंप्रेशन हमें मिले, इंप्रेशन कैसे मिले, हमने उस चीज को देखा, हमने ऑब्जर्व किया, हमें इंप्रेशन मिले। तो ये बात है कि ये हम इसको वैलिडेट करें, मैटर ऑफ फैक्ट को, वी नीड टू वैलिडेट दोज थिंग्स। हम मैटर ऑफ फैक्ट्स को वैलिडेट करते हैं और हम उसके बगैर इसको, नॉलेज को ट्रू नहीं मानते। अब क्योंकि रैशनलिस्ट को तो अपोज कर ही रहे हैं, ठीक है, तो वो ये भी कहते हैं कि जो बेसिक बिलीव, मोस्टली मोस्टली जो हमारे बिलीव्स हैं ना, ये बेसिक होते हैं, बेसिक जो बिलीव्स हैं, वो बिलीव्स क्या हैं, दे कम फ्रॉम आर इंस्टिंक्ट या कस्टम से, हमें वो रीजन से नहीं हम उसको इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है? अगर आप ये स्टेटमेंट पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। द मोस्ट बेसिक बिलीव्स अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड और इवन इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ, सेल्फ की एग्जिस्टेंस में या नेचुरल वर्ल्ड के बिलीव्स, कैन नॉट बी कंक्लूसिवली इस्टेब्लिश बाय रीजन, हम उन्हें रीजन पे इस्टेब्लिश या कंक्लूड नहीं कर सकते, बट वी एक्सेप्ट देम एनी वे बिकॉज ऑफ देयर बेसिस एंड इंस्टिंक्ट एंड कस्टम, ठीक है? अब वो कह रहे हैं कि हमें करते करते हैं, क्योंकि आपने देखा हुआ है, हमारा एक ट्रेंड बना हुआ है, एक कस्टम है, एक ट्रेडिशन है कि हम इस चीज़ को फॉलो करें, एक नॉर्म है, तो इस नॉर्म को हम फॉलो कर रहे हैं, चाहे हम उसको प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हम उस नॉर्म को फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बात आती है कि एक हार्ड लाइनर एम्पिरिसिस्ट है, वो स्केप्टिकल हो रहा है, ठीक है? अब आगे आगे हम स्केप्टिसिज्म की इनकी बातें पढ़ेंगे। स्केप्टिसिज्म में क्या बात करते हैं, स्केप्टिक्स वो होते हैं जो
नॉलेज को जो है ना वो देखते हैं कि उसकी लिमिट क्या है, ठीक है, लिमिट ऑफ आवर एबिलिटी टू नो थिंग्स, हम किस हद तक किसी चीज को जान सकते हैं। स्केप्टिक वो होता है जो हर चीज पे डाउट करता है, हर चीज में वो कुछ ना कहेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये कुछ ऐसे हो सकता था कुछ ये। तो आपको अपने चीज के आप जो चीज आप जानते हैं क्या उसकी भी कोई लिमिट है कि नहीं, लिमिटलेस है, आपको नहीं पता कि आप किसी चीज को किस हद तक जान सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो यू वुड ऑलमोस्ट सर्टनली हैव बिलीव्ड दैट देयर वाज इंडीड एन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स कॉजली इंटरैक्टिंग विद ईच अदर व्हिच वी परसीव एंड रिप्रेजेंट टू आवरसेल्व्स थ्रू आवर सेंसेस, ठीक है। एक ऑफ कोर्स कह रहे हैं कि एक मटीरियल वर्ल्ड है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ आवर माइंड है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसका एक कॉजल रिलेशन है, कॉज एंड इफेक्ट की बात यहाँ पे वो कर रहे हैं कि हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट है। हिज पॉइंट वाज दैट नन ऑफ दिस कुड बी एक्चुअली प्रूव्ड। हम उसको मान तो रहे हैं कि एक मटेरियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, कॉजल रिलेशन है उसका, लेकिन क्या हम उसको एक्चुअली प्रूव भी कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे अब उनका स्केप्टिसिज्म आ जाता है, ही इज बीइंग स्केप्टिक ओवर हियर, ठीक है, स्केप्टिसिज्म आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि क्या हम इन चीजों को जो हम कह रहे हैं कि मटेरियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट है, तो क्या हम इस कॉज एंड इफेक्ट को एक प्रूव भी कर सकते हैं कि नहीं। देन यू फ्रीली एडमिट वी कैन फॉर्म बिलीव्स अबाउट दैट विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड एनी पॉसिबल एक्सपीरियंस। कुछ चीजें हमारे एक्सपीरियंस के बियॉन्ड हैं तो हम बिलीव बना लेते हैं, हमारा कस्टम बन गया, हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ही वॉज इंटायरली स्केप्टिकल अबाउट एनी क्लेम्स टू नॉलेज ऑन दिस बेसिस, इस कस्टम और इस बिलीव बेस्ड नॉर्म की बेसिस पे जो भी नॉलेज हमें गेन होगा वो आपका स्केप्टिकल नॉलेज है, यही बात कर रहे हैं ह्यूम भी, ठीक है, एज अ कस्टम एंड इमेजिनेशन। ये स्केप्टिसिज्म समझ में आ गया कि स्केप्टिसिज्म में वो क्या बात कर रहे हैं कि हमें जो भी नॉलेज मिल रहा है, हम एक वर्ल्ड को तो कह रहे हैं क्योंकि बीइंग एन एम्पिरिसिस्ट वो कह रहे हैं कि एक वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, हमें नॉलेज हमारी सेंसेस से मिलती है, बट जो हमारी नॉलेज मतलब कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारी एक्सपीरियंस से बियॉन्ड है, वो ना हमें रीज़न बता रही है ना हमें वो सेंसेस बता रही हैं, वो जो नॉलेज हमें मिल रहा है ना वो हम हमारी थॉट प्रोसेस है, ये हमारा बिलीफ है, हमने माना हुआ है कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं क्योंकि हमने देखा हुआ है, हमने पास्ट एक्सपीरियंसेस किए, हमें पता है कि ये चीज़ पीछे पीछे होती आ रही है तो अभी भी ये हो रही है, तो इसलिए हमारे को कस्टम बन गया, नॉर्म बन गई है। तो ये इस पर कि क्या वो चीज़ जो है वो नॉलेज ट्रू हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, वो आगे चीज़ ना उसी तरह हो, ठीक है। इस पर ये आती है एक इनकी नया आर्ग्यूमेंट, प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन क्या है, इंडक्टिव जो इन्फ्रेंसेस आई हैं उनके बेसिस पे। अब इंडक्शन आप कैसे करते हैं, इंडक्शन आप ऐसे करेंगे, आप पहले चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल आप ऑब्जर्व कर रहे हैं स्वान्स को, आपने 2, 4, 10, 12 हजार स्वान्स देख ली वाइट कलर की, ठीक है, जगह जगह आपने देखी, तो आप पहले ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसको कंक्लूड करेंगे। सो इट्स अ बॉटम अप अप्रोच, क्या आपने पहले ऑब्जर्वेशन किया फिर आप उसको कंक्लूड करें, ठीक है, या आपकी आपने कंक्लूड कर दिया कि ऑल स्वान्स आर वाइट। ह्यूमंस टेंड टू बिलीव दैट थिंग्स बिहेव इन अ रेगुलर मैनर, क्योंकि आपने एक देखी, हमने 10, 12, 20 हजार, 1 लाख देख ली स्वान्स वाइट, आपको पता है कि हमें हमें एक चीज़ होती है कि एक रेगुलर मैनर में वो चीज़ चल रही है, एंड दैट द पैटर्न इन द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट विल परसिस्ट इन द फ्यूचर। और हम ये मान लेते हैं कि जो चीज़ें हम रेगुलरली देख रहे हैं वो फ्यूचर में भी होती रहेंगी, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे,
वो चीज़ें फ्यूचर में भी ऐसे होंगे जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सन राइजेज इन द ईस्ट, ये वाला जो स्टेटमेंट है इसमें आप इसको ऑब्जर्व करें या ना करें, आपको ये पता है कि सूरज मगरिब से निकलता है और मशरक जो है ना, मशरक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है. ये आपका एक अंडरस्टूड स्टेटमेंट है. यू डोंट नीड टू ऑब्जर्व इट ऑल द टाइम बिकॉज इट हैपन रेगुलरली एंड यू ऑब्जर्व इट इन योर पास्ट, तो आप उसको मान लेते हैं कि इट विल डेफिनेटली हैपन इन द फ्यूचर एज वेल. बट दिस थिंग कैन नॉट बी जस्टिफाइड. वॉट इफ सन कल नहीं निकलता ईस्ट से, फिर हम क्या करेंगे? सो इट्स अ काइंड ऑफ अ सर्कुलर रीजनिंग जो हमने पहले भी पढ़ी, ठीक है, कि आप एक चीज़ को बार 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 ऑब्जर्व करेंगे, कंक्लूड करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो वो ही एक थ्योरी को एक्सपेरिमेंट किया, हाइपोथेसिस बनाया, टेस्ट किया, ये सब चीज़ें, तो इट्स अ सर्कुलर रीजनिंग. अब ह्यूम ने इसका सोल्यूशन भी दिया, थैंक्स टू ह्यूम, ह्यूम ने इसका सोल्यूशन भी दिया. ही वॉज टू आर्ग्यू दैट इट इज नेचुरल इंस्टिंक्ट रादर देन द रीजन. वो कह रहे हैं कि ये जो ऊपर वाली हमने सारी बात की, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी की, ये कैन नॉट बी जस्टिफाइड, ये सब चीज़ें जो हैं ये रीजन बेस्ड तो नहीं है. कि आप कहें कि रैशनलिस्ट कहें कि जी रीजन बेस्ड है, हमने बड़ा इस पे ये किया, इट्स नॉट रीजन बेस्ड. ये चीज़ें क्या हैं? इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट. ये आप एक नेचुरली कह रहे हैं कि हाँ ये, क्योंकि हमने देखा है पास में, तो आपकी गट फीलिंग होती है, सिक्स सेंस होती है, इंट्यूशन है आपकी, कि आप उसको कह रहे हैं कि ये इट विल हैपन इन द फ्यूचर एज वेल. सो दैट एक्सप्लेन्स दर एबिलिटी टू मेक इंडक्टिव रीजन इन्फ्रेंसेज एंड मेनी हैव सीन दिस एज अ मेजर कंट्रीब्यूशन टू एपिस्टेमोलॉजी एंड द थ्योरी ऑफ नॉलेज. दैट्स ट्रू. हमारी जितनी भी हमारा साइंटिफिक मेथड भी इनफैक्ट जितना है वो हमारा इस पे बना हुआ है, इंडक्शन पे. क्योंकि इंडक्शन में ही, जब हमारे पास कोई डेटा नहीं है, कोई ऑब्जर्वेबल चीज़ नहीं है, तो हम ऑब्जर्व, कोई हमारे पास थ्योरी नहीं है पहले, कोई प्रीवियस नहीं है, तो हम रॉ से स्टार्ट करते हैं, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, हम वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स और फिर हम कुछ भी कंक्लूड करते हैं, ठीक है. तो यही बात उन्होंने कहा कि हमारा जितना भी साइंटिफिक है, जितनी भी एपिस्टेमोलॉजी है, इट इज़ बेस्ड ऑन द इंडक्टिव रीजनिंग. और यही हमारे इंडक्शन में प्रॉब्लम आता है कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और हमने एक माइंड बना लिया, हमने इंस्टिंक्ट के थ्रू पे, इंट्यूशन के थ्रू पे हमने मान लिया कि ये चीज़ें होंगी भी, समटाइम्स नहीं भी है. जब वॉट इफ नहीं हो, इनका मेन प्रॉब्लम है वॉट इफ ना हुई तो क्या करेंगे, इसका कोई जवाब नहीं दे सकता, ठीक है. साइंस इज फेल हियर. साइंटिफिक मेथड में वो बात करें ना कि वॉट इफ इट वॉन्ट हैपन इन द फ्यूचर. एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन टू साइंस सजेस्ट दैट ऑल ऑफ द साइंस इज एक्चुअली बीइंग बेस्ड ऑन लॉजिकल फैलेसी. लॉजिकल मिथ पे बात बनी हुई है सबकी, ठीक है. ये मिथ है कि ये होगा. आइजक न्यूटन की जितनी चीज़ें हैं, गैलीलियो की जितनी चीज़ें, जो भी बातें हैं आजकल, जितना भी आज तक साइंस में जितना भी काम हुआ है, ये इंडक्शन फैलेसी पे काम हुआ हुआ है, ठीक है. लेकिन हम इसको डिसप्रूव भी नहीं कर सकते. हम अगर इसको प्रूव नहीं ना कर सकते, तो हम इसको डिसप्रूव भी नहीं कर सकते. वी कैन नॉट अस्यूम इट विल हैपन अगेन नो मैटर हाउ ऑफन इट सीम्स टू हैपन इन आर पास्ट. ये इंडक्शन फैलेसी है, ठीक है. प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन यहाँ पे खत्म होता है. अगला आर्ग्यूमेंट क्या है? थ्योरी ऑफ कैजुअलिटी, कॉजालिटी. ये आर्ग्यूमेंट टू है. इसमें क्या है कि वही कि हमारा कॉज एंड इफेक्ट है. अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं कि हमने एक बॉल थ्रो की, ये एक बॉल है, ये हमने थ्रो की है ये बॉल्स के साथ, ठीक है. तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि बॉल यहाँ से हिट करके वापस ही आएगी. वॉट इफ नहीं आती? ये कॉज एंड इफेक्ट है ना, दिस इज अ कॉज एंड दिस इज इफेक्ट, ठीक है. फिर एक पौधे को, ठीक है, एक पौधे को पानी दिया जा रहा है, एक बच्चा है जो पौधे को पानी दे रहा है. ये अस्यूम कर रहे हैं कि जब इसको पानी दिया जा रहा है तो ये दरख्त बन जाएगा, इट विल मेक अ ट्री सून, ठीक है. तो क्या होता है कि अगर ये ट्री नहीं बनता? ये कॉज एंड इफेक्ट है ना, कि आप उसको किसी किसी भी पौधे को या बीज को, सीड को आप पानी देंगे तो वो ट्री बनेगा, यही है ना, हमने यही देखा. अब क्या है, ये कॉज एंड इफेक्ट की बात हो रही है, लेकिन क्या ये कॉज एंड इफेक्ट हमेशा हो सकता है? क्या ये एक सीरीज चलेगी हमेशा? इट इज नॉट ऑलवेज क्लियर हाउ वी नो दैट समथिंग इज एक्चुअली कॉज्ड बाय अनदर थिंग.
एंड ऑल दो डे ऑलवेज फॉलोज नाइट एंड नाइट डे, देर इज स्टिल नो कॉजल लिंक बिटवीन देम. ये हमें दिख नहीं रहा, हमने एक माइंड में बनाया हुआ इंस्टिंक्ट है हमारा, इंट्यूशन है हमारी, इंट्यूटिव फीलिंग है हमारी कि नाइट के बाद दिन और दिन के बाद नाइट आता है. तो इसी तरह का एक सर्कल जो है ये चलता रहता है. वो कह रहे हैं कि ये मेंटल एक्ट ऑफ एसोसिएशन है, इट कैन नॉट बी प्रूव कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेशन. ठीक है, ये दूसरा इनका आर्ग्यूमेंट है, ये दूसरा इनका इस पे काम है थ्योरी के बारे में, थ्योरी ऑफ कॉजालिटी, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन भी किया जा सकता है फिलोसफी के पेपर में. नेक्स्ट आता है जी आर्ग्यूमेंट थ्री इज बंडल थ्योरी. बंडल थ्योरी क्या है, जिसको हम पर्सनल आइडेंटिटी आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं. अब वो कह रहे हैं कि हम चीज़ें एक्सपीरियंस करें, हमें सेंसेस से पता लग रही हैं, हमें किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं. प्रॉपर्टीज़ में क्या ये चीज़ें हैं, कलर, साइज, शेप, स्मेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब फॉर एग्जाम्पल एक एप्पल है, ठीक है, ये एक एप्पल है. अब इस एप्पल में क्या है, एप्पल की प्रॉपर्टीज़ हैं कि उसका ये कलर है, ये रेड कलर है, ये उसका साइज़ है, उसकी राउंड शेप है, ये स्मेल है इसकी, ये टेस्ट है. इस प्रॉपर्टीज से मिल के वी कैन से कि ये एक एप्पल है. अगर हम इस प्रॉपर्टीज को बीच में से निकाल देते हैं, क्या हम उस ऑब्जेक्ट को परसीव कर सकेंगे? नहीं, क्योंकि इन्हीं फीचर्स या इन्हीं प्रॉपर्टीज का असल मजमुआ हमें इस ऑब्जेक्ट में दिख रहा है. एक्चुअल ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस ऑब्जेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इज अ कलेक्शन ऑफ फीचर्स और प्रॉपर्टीज, ये बात कर रहे हैं. इसी तरह वो कहते हैं, इसी आर्ग्यूमेंट को लेके वो सेल्फ पे बात करते हैं कि वी आर सेल्व्स, हम क्या है, एक्सक्यूज मी, वी आर द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड परसेप्शंस. हम खुद को परसीव कर रहे हैं, हमारे डिफरेंट परसेप्शंस आ रही हैं खुद से, तो हम उसका एक कनेक्शन है, कलेक्शन है. ठीक है, और दिस इज लिंक्ड बाय कॉन्स्टेंसी एंड कोहरेंस. अगर हम खुद को परसीव करना छोड़ दें, लाइक अगर हम, हमें ये जो हमारी बंडल ऑफ या कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड परसेप्शंस है, इंटरकनेक्टेड परसेप्शन, अगर हमें ये परसेप्शंस आना बंद हो जाएं, इस प्रॉपर्टीज की तरह हमें परसेप्शन आना बंद हो जाए, हमारी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, तो व्हाट इज, व्हाट वी आर, व्हाट आर वी, वी आर द बंडल ऑफ थिंग्स. तो ये एक बंडल थ्योरी की बात करते हैं. सेल्फ वो इस तरह सेल्फ को बयान करते हैं कि ह्यूमन क्या है, ह्यूमन एक बंडल थ्योरी, बंडल ऑफ परसेप्शन है. ठीक है, बहुत सारे फीचर, जब बहुत सारी परसेप्शन, जब बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिली हुई हैं, तो या हमें खुद से बहुत सारी परसेप्शन आ रही हैं, तो हम उसका एक मजमुआ है. हम एक्चुअल नहीं हैं, हमारी एक्चुअल सेल्फ नहीं है, हमारे सिर्फ परसेप्शन है. आई होप इट्स क्लियर. जल्दी से रैप अप कर लेते हैं. ठीक है, एम्पिरिसिज्म में बताया सेंसेशंस आती हैं, सेंसेस से डेटा आता है. आई टोल्ड यू अबाउट इसमें जो हमने बात की इम्प्रेशंस की, ठीक है, एंड आइडियाज़ की. आइडियाज़ को हमने फर्दर डिवाइड किया, ठीक है, एंड इम्प्रेशंस को हमने बताया क्या है. आइडियाज़ को हमने मेमोरी ऑफ, सॉरी, फैकल्टी ऑफ मेमोरी में डिवाइड किया, और फैकल्टी ऑफ इम्प्रेशन में, फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन में डिवाइड किया, इन दो में डिवाइड किया. बताया कि ये जो है फ्रेश आइडियाज़ देते हैं, ये जो है ये रिकॉल करता है. स्केप्टिसिज्म में बात करते हैं कि हमें जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो रीज़न से नहीं हैं, और हम बहुत सारी चीज़ें बियॉन्ड एक्सपीरियंस होती हैं, तो हम उसका क्या करें, हमें वो कैसी चीज़ें समझ में आएंगी? तो वो चीज़ें हमारी ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशन है या इंस्टिंक्ट पे है, कस्टम है, वो बिलीफ है हमारा, इसलिए हम वो बात करें तो विच कैन नॉट बी प्रूव्ड. प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन में बात करते हैं कि जो साइंटिफिक थेरीज हैं, ये साइंटिफिक थेरीज हैं, इट्स ऑल बेस्ड ऑन इंडक्शन, इन्फ्रेंस. तो ये जो इन्फर हमने किया इंडक्शन से, इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड, इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व, इट कैन नॉट बी प्रूव्ड, हम इसको वैलिडेट नहीं कर सकते. ठीक है, फिर कॉज एंड इफेक्ट की बात की, तो जो कॉज इफेक्ट हमें दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वही कॉज एंड इफेक्ट हर बार हो, नाइट के बाद डे आए.
नाइट फॉलोज डे और डे फॉलोज नाइट, तो ये कॉज एंड इफेक्ट हमें ज़रूरी नहीं है, ये हमारा एक कस्टमरी बिलीफ है कि ये चीज़ें होती हैं क्योंकि वी हैव सीन देम इन द पास्ट, तो हमें लग रहा है कि फ्यूचर में भी ऐसे ही कम। लाइक वाइज बंडल थेरी में वो बात करते हैं कि ह्यूमन इज अ इंटरकनेक्शन ऑफ या इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड परसेप्शंस, इंटरकनेक्टेड परसेप्शंस की वो बात करें कि हमारा जो सेल्फ है, सेल्फ को क्या है, परसेप्शंस मिल रही हैं और वो भी जो इंटरकनेक्टेड परसेप्शंस हैं। अगर ये परसेप्शन आना बंद हो जाए हमारा सेल्फ का, या एग्जिस्टेंस बंद हो जाए, सेल्फ एग्जिस्ट करना बंद हो जाए। ठीक है, आई होप एवरी थिंग इज प्रिटी मच क्लियर नाउ। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो डू आस्क मी। मैं जितने ईजी तरीके से बता सकती थी, जिस तरह भी मैं एक्सप्लेन कर सकती थी, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। कोई प्रॉब्लम हो तो डू आस्क मी। इसमें क्वेश्चन जो आता है ह्यूम के लिए, अच्छा मैं आफ्टर कपल ऑफ वीडियोज, जो थोड़े बहुत लेक्चर्स रह गए उसके बाद जो है ना, आई एम गोना टेल यू कि हाउ टू अटेम्प्ट द फिलोसफी पेपर। फिलोसफी पेपर में कुछ अगर अब जिस तरह कई डेविड ह्यूम पे सवाल है, तो डेविड ह्यूम का प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन आ जाएगा। ऑफकोर्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, सो हाउ डू वी नीड टू अटेम्प्ट इट, कॉज एंड इफेक्ट पे सवाल आ जाता है, एंड बंडल थ्योरी भी, मतलब दीज आर द थ्री थिंग्स। इन फैक्ट स्केप्टिसिज्म इज वन ऑफ अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्केप्टिसिज्म, लेकिन वो मिक्स करके भी दे देते हैं, इसका या इसका दे देंगे। अच्छा अगर मिक्स कर, बिकॉज ऑल दिस फिलोसफीज आर इंटरलिंक्ड ना, तो मिक्स करके दे देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। आप एक चीज़ एक्सप्लेन करें, आपको दूसरी हर हाल में बतानी बतानी है, इवन इफ दे हैव आस्क यू और नॉट, तो वो कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं आपके पास बचता। ठीक है, तो मैं आपको पेपर अटेम्प्टिंग टिप्स भी बता दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।